बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक नई इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत। आज हम हाजिर हुए हैं जी ज़मर वैली के रूहे रवां जनाब राना अब्दुर्रहमान साहब के पास। आज ज़मर वैली, चूँकि हम इसका काम करते हैं, इसके बारे में इनसे कुछ ओपिनियन लेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर जो जो चीज़ें आएंगी वो क्लाइंट के लिए आपके साथ होंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। आज हम हाजिर हुए हैं राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से जी? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जनाब। राना साहब का मैं तारफ कराता चलूँ जी। राना साहब आरआर बिल्डर के नाम से इनका ऑफिस है और ये माशाल्लाह बड़े पुराने हैं ज़मर वैली में और मेरा ख्याल है पायनियर में से आप हैं जी। आज मेरा सवाल है कुछ ज़मर वैली के दोस्तों की तरफ से और अपने भी जो है हम नॉलेज में इजाफा करेंगे, ये ज़मर वैली का क़याम कब अमल में आया? माशाल्लाह ज़हीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोजेक्ट है इसको जब हमने स्टार्ट किया तो 19 अप्रैल 2016 को मैंने वहाँ जाकर उसकी दुआ कराई और वहाँ उसकी बुनियाद रखी, ठीक है। और 2016 से लेकर अब तक इस पर वर्किंग हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ हम चल रहे हैं। राना साहब, बड़े लोगों के सवाल होते हैं, चूँकि मुख्तलिफ सोसाइटियाँ हैं, हर चौथा बंदा जो है वो मालिक बना होता है किसी भी सोसाइटी का, तो इनके मालकान कौन से हैं? अब ये भी कन्फर्म होगा ना, क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, कौन से मालिक हैं जी? ज़हीर भाई, इसके जो ऑनर हैं जनाब मुसव्वर अब्बासी साहब, जब इब्तदा की थी तो ये अकेले ही थे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो गया तो इनके साथ दूसरे नंबर पर इस मालकान में शामिल हुए जनाब असलम खान आफरीदी साहब। इनका ताल्लुक जो है पेशावर से है और मुसव्वर अब्बासी साहब का ताल्लुक जो है मरी से है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पार्टनर इनके साथ जो शुरू हुए वो जनाब मोहम्मद ताहिर खान साहब, इनका ताल्लुक जो है सवाबी से है। इस वक्त ज़मर वैली के तीन पार्टनर हैं और जिनमें से दो का ताल्लुक केपीके से है और एक मरी से है मुसव्वर साहब का। बड़ा ज़बरदस्त जॉइंट हुआ जी, दो पठान एक साढ़े मरी वाले। मुसव्वर अब्बासी साहब का तो बहुत बड़ा नाम है जी, जी ताहिर साहब भी बहुत माशाल्लाह, उनसे भी मुलाकातें होती रहती हैं अपने काम में, ये अपनी फील्ड में मास्टर लोग हैं। मास्टर लोग हैं बिल्कुल, इसमें ये बड़े लोगों के सवाल है कि आजकल कैश के ऊपर है तो ये प्लाट जो हम आजकल ले दे रहे हैं ये 2016 से जब शुरू हुआ था, क्या इसके ऊपर भी इंस्टॉलमेंट थी? जी ज़हीर भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है आपका और दोस्त इस पर अक्सर बोलते हैं, पूछते हैं। और इसके अंदर देखें, जब हमने 2016 में स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने दो ऑप्शन रखे थे, इंस्टॉलमेंट पर भी था और कैश पर भी था। कैश पर हम ज़रा डिस्काउंट दे देते और इंस्टॉलमेंट हमने उस वक्त 2 साल की रखी थी, ठीक है। और उसके बाद जब इसमें हमने स्टार्ट लिया तो 1 साल तक तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आईं, दोस्तों को कायल करने में हम ज़रा पीछे रह गए, लोग जल्दी कायल नहीं होते थे। लेकिन साल बाद जब दोस्तों ने देखा कि ये इस्तकामत के साथ लगे हुए हैं और डिलीवर करते जा रहे हैं तो फिर उन्होंने बहुत जल्दी उसके ऊपर हाथ डाला। तो जैसे ही ये एक्टिव हुआ तो आबादी इस अंदाज़ में हो गई कि हमारे पास ज़मीन कम होना शुरू हो गई, लोगों की डिमांड ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर प्लान यही किया गया कि इसकी इंस्टॉलमेंट वाला जो इब्तदा में हमने कर लिया वो काफ़ी है, अब इसको कैश पर ले लिया जाए। तो अब ये कैश पर चल रहा है इसका सारा सेटअप। न्यू व्यूअर के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि इसकी जो लोकेशन है, मेरा एक अपना तो है वो मैंने तो देखा हुआ है कि चारों साइडों से ये कवर है और दरमियान में एक छोटा सा ये वैली टाइप है, खूबसूरत है, तो आप इसके बारे में ज़रा बताएं ना, इसके फ्रंट बैक राइट लेफ्ट में क्या चीज़ें आ रही हैं? ज़हीर भाई देखें, इस्लामाबाद का जो नक्शा है ना उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़मर वैली इस्लामाबाद के नक्शे पर इस्लामाबाद की जो आखिरी लैंड है जिसको हम कह देते हैं कि एक्स्ट्रा लैंड, यानी इस्लामाबाद के अंदर इस जगह के ऊपर सेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऐसी ज़मीनें होती ये हैं कि सीडी एक्वायर नहीं करता, वो जिन लोगों की मलकियत होती हैं तो उनकी ही रहती हैं, वो आगे उसको इंडिविजुअली सेल कर लेते हैं, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। तो ये जो ज़मर वैली है इसके जो चारों तरफ सूरत हाल है वो ये है कि इसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है कश्मीर हाईवे है, yes, जो किसी दौर में इसको वो क्या इसका नाम है मोटरवे कहा जाता था, अब वो श्रीनगर हाईवे के नाम से है। और ये श्रीनगर हाईवे की वो लोकेशन है जहाँ जब मोटरवे बना था तो सबसे पहला टोल प्लाजा यहाँ बनाया गया था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसकी दूसरी साइड जो है, हम दाएं तरफ अगर श्रीनगर की तरफ मुंह करके खड़े हों तो दाएं तरफ जो है इस्लामाबाद मॉडल जेल है,
मॉडल जेल बिल्कुल ऐसी है, बिल्डिंग बनी हुई है, ये सेक्टर H16 बनता है। ठीक है, सेक्टर H16 इसके साथ जो शुनीद है, कोई एक अस्करी जो है कोई विलास या अस्करी अपार्टमेंट वगैरह के अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ बनेंगे। ठीक है, ये CDA का सेक्टर है। ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट साइड पर है यानी बाएं तरफ मस्जिद अबुल कासिम है। मस्जिद अबुल कासिम जो है ये उसकी ब्रांच है, यूँ कह लें कि रायवेंट की तबलीगी मरकज है। रिसेंटली हमने देखा है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है, जहाँ पे लाखों की तादाद में जी तकरीबन 2.5 लाख लोग जो है ना शुनीद है, जो 2.5 लाख लोगों का यहाँ पे आमद हुई है और उन्होंने ये इस्लाम का फैज लिया वहाँ से। जो इसकी बैक साइड हम इसको कह देंगे तो यहाँ सेक्टर I-16 और I-17 आ रहा है। ठीक है, I-16 और I-17। तो इस तरीके से ये जो जगह है ये सारी की सारी, एक तो इस्लामाबाद का आखिरी हिस्सा है जो इस्लामाबाद की हदूद में शामिल है। ठीक है, और मौज़ा नून कहलाता है ये। हाँ, मौज़ा नून, इस्लामाबाद जो नून विलेज नून, नून, हाँ नून गांव है इसमें, और इस्लामाबाद का नून पुलिस स्टेशन भी है। ठीक है, तो ये सारा जो है इस्लामाबाद की हदूद में आता है। तो उसके अंदर जो है जब ये जो जगह थी तो ये हमारे मुसव्वर अब्बासी साहब ने इस एरिया का जो है ना इंतखाब किया, फिर हमें ये कहा कि हम चलते हैं वहाँ काम करते हैं। तो उसके ऊपर हमने स्टार्ट लिया। शुरू में मतलब ये कि लोगों ने काफ़ी मुश्किलात थी, नई लोग आ रहे थे, कायल नहीं हो रहे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यूँ कह लें कि निखर कर सामने आ गया वहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं चीज़ों को। इसमें बड़े लोगों का सवाल होता है जब, चूँकि हम यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट हैं हमारे भी, तो वो लोग ये कहते हैं कि इसमें CDA का क्या किरदार है, क्या CDA यार। अभी रिसेंटली भी एक हमने देखी थी, वो दीवारें गिरा दी, क्या दीवारें गिराने से वो ज़मीन ही को उठा कर ले जाते हैं या कि उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, बड़े लोगों के सवाल होते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें CDA का जो मामला होते हैं ना जी, वो जो ज़मीन एक्वायर कर लेते हैं उस ज़मीन पर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी आपका इख्तियार नहीं है। जो ज़मीन एक्वायर नहीं करते, जो छोड़ देता है CDA, वो आपकी ज़ाती मलकियत है, तो आप उसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें, उसमें अपना घर बनाएं, उसमें फार्म हाउस बनाएं, आप उसके अंदर कॉलोनी बनाएं, उसको जिस तरह भी यानी आप इस्तेमाल करना चाहें कर लेते हैं। ठीक है, जो बीच में CDA का जो अमल दखल आया था, जो देखने में आया था, CDA वाले आए थे, तो उसके अंदर CDA ज़मर वैली और जेल इसके दरमियान में एक शाहरा है जो कि मास्टर प्लान का हिस्सा है। ठीक है, मास्टर प्लान का हिस्सा है, उस मास्टर प्लान के हिस्से को क्लियर, उसकी ज़मीन क्लियर करनी होती है उन्होंने, जब उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है तो उन्होंने ज़मीन क्लियर करनी होती है। उसके अंदर कुछ लोग खामखा अपनी आबादी कर लेते हैं, किसी ने डेरा बना लिया, किसी ने घर बना लिया, ताकि CDA में पैसे देने आम यहाँ पे चलता रहता है, ब्लॉकों की चार दीवारें। उसके लिए जिस वक्त वो उन्होंने ये इसका ठेका हुआ 17 Avenue का, तो उस वक्त जो है क्या इसका नाम है, CDA ने अपनी ज़मीन को क्लियर कराया, तो उसमें जहाँ जहाँ जिस जिसने थोड़ी सी भी तजावज़ की हुई थी तो उसको उन्होंने कट लगाया कि भाई ये ज़मीन जो है वो आती है। उसके अंदर ज़मर वैली में CDA ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। ठीक है, ज़मर वैली के अंदर आकर उनकी मशीनरी खड़ी हुई है। हमारा जो कमर्शियल ब्लॉक है, चूँकि साफ़ सुथरी जगह है तो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, तो मशीनें उन्होंने लाकर वहीं खड़ी की थी। देखने वालों ने यह समझा कि ज़मर वैली के अंदर कोई ऑपरेशन हो रहा है, हालांकि जिस दिन उस ज़मीन की क्लियरेंस हो रही थी हमारे मुसव्वर अब्बासी साहब उनके साथ खड़े थे, मौके पे हमने देखा, वो भी साथ खड़े थे और उनको निशानदेही की थी कि ये जो जगह है ये हमारी है और ये जगह हमारी नहीं है, तो उसके अंदर उन्होंने निशान लगाया, अपनी बुतियां लगाई और वो चले गए। उसमें हमने हमारे जो एक्सपर्ट कहते हैं वो ये कहते हैं CDA के जो आगे लैंड परचेज कर रहे होते हैं इसलिए कि अगर 50 साल 70 साल 75 साल बाद भी CDA ने वहाँ पे आना हो तो तब भी वहाँ पे वो ज़मीन सेल नहीं होती, रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होती, जो कि ज़मर वैली में तो रजिस्ट्री इंतकाल है। इसका मतलब है कि अगले 40-50 साल 60 साल यहाँ पे कोई सेक्टर नहीं आने वाला, ये मैं जो लोग कहते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़े अच्छे से आपसे गपशप हो रही है। एक कंसेप्ट लेकर चले थे मुसव्वर अब्बासी साहब, यहाँ पे जो दरमियाने तबके की फैमिलीज हैं, मैं लोगों को घर दूँ, छोटे प्लॉट दूँ, तो मैंने देखा है कि पूरे ज़मर वैली में नक्शे में अगर आप देखें तो सारे 5 मरले के ही हैं, लोग बड़े की डिमांड भी करते हैं, 1 कनाल नहीं है, 2 कनाल नहीं है, 10 मरले के प्लॉट बहुत शॉर्ट हैं, कहीं पर 7 मरले की इक्का दुक्का प्लॉट है, तो ये क्या वजह हो सकती है? देखें जिस वक्त इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया था, हमने उसी वक्त ये पॉलिसी बना ली थी कि ये चूँकि हम एक लोगों के पास इस वक्त जो कॉलोनियाँ हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं, उनके पास जो घर हैं, उनकी छोटी छोटी गलियाँ हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है
एक सहूलतें बिल्कुल नापैद हैं, यानी ना होने के बराबर हैं। तो हमने स्टार्ट में ये कर लिया कि मुतवसत तबके के लिए ऐसा प्रोजेक्ट हम लॉन्च करें जिसके अंदर कल को वो खुशी खुशी रहें। उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो हमारे पास कम्युनिटी है वो ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन हैं, ऐसे ही है जो कि ग्रेड 14 से नीचे हैं, ठीक है, ग्रेड 14 से ऊपर का कोई बंदा नहीं है, बहुत इल्ला कलील कोई आता है। तो उनके लिए हमने शुरू से ही बड़ी सड़कें रखी, बड़ी गलियाँ रखी, ठीक है, और उसके अंदर प्लांटेशन की कि ये चूँकि कॉलोनियों में आप जब जाकर देखेंगे तो वहाँ कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा आपको, जबकि ज़मर वैली में आप देखेंगे जगह जगह ग्रीनरी है। हाँ, ग्रीनरी ऐसी है। तो ये इब्तदा से ही यही सोच कर बनाया गया था कि मुतवसत तबके को यहाँ पर हमने जगह देनी है, ठीक है। तो इस वजह से उसी वक्त से ये पॉलिसी बना दी कि हम बहुत बड़े प्लाट नहीं रखेंगे। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसकी आबादी की जो वजह जो मुझे नज़र आ रही है कि आप अगर 26 नंबर से लेकर चलें तो मेरा ख्याल है कि सारी लोकल आबादी इसके साथ साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उसमें आपको अगर गवर्नमेंट के स्कूल चाहिए वो भी मिलते हैं, आपको छोटे हॉस्पिटल चाहिए वो भी मिलते हैं, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो भी मिलती हैं, और वो प्रॉपर कम्युनिटी नहीं है, वो बस हमारे जैसे देहातों में होता है कि बस यहीं से सीवरेज जा रही है कहीं से। तो उसी रेट में अगर आपको जमुर वैली प्लॉट देता है और प्रॉपर सिक्योरिटी है उसकी, रोड नेटवर्क उसका बना हुआ है और जो है सीवरेजें डली हुई हैं, कमर्शियल उसके बारे में, और सबसे बड़ी वजह जो मैंने नोट की वो ये है कि जो तबलीगी मरकज यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे तलबा आ रहे हैं, यहाँ पे दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा है। और हमने अभी भी देखा, आपने भी देखा होगा कि KPK से और हमारे पंजाब जनूबी पंजाब से बहुत लोग यहाँ पे रुख किया है और उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है। इवन के अब एक वक्त तो ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं ये सारी दुनिया प्लॉट लेने के लिए आ रही है। अब देखें स्टॉल लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, तो इसके राउंड में लेफ्ट राइट लेफ्ट में तो कोई ऐसी आबादी नहीं है। वो लोग जो बिजनेस भी करना चाहते हैं कमर्शियल के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा है, आप अपने ओपिनियन बताएंगे। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि देखें जमर वैली के अंदर हमने इसको एक मुतवसत तबके के लिए प्रोजेक्ट बनाया और इसको डिवेलप और इसकी जो इंतज़ामी अमूर हैं एक बड़ी हाई सोसाइटी जो है, हाई रेस सोसाइटीज़ होती हैं, उनके मुताबिक करने की कोशिश की है कि इसके जो मोहल्ले हैं उनके अंदर लोग दुकानें बना कर ना बैठ जाएं, ठीक है। इसके लिए अलग से कमर्शियल एरिया रखा ऐसे ताकि लोगों को आसानी हो, रहने वालों को सुकून मिले और कारोबार करने वालों को बेहतरीन कारोबार का मौका मिले। अब जब ये तबलीगी मरकज़ आपने देखा होगा जब ये इज्तमा हुआ है तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी यहाँ तशरीफ लाई, ऐसे ही बहुत दूर दूर से लोग आए जिन्होंने आकर अपने स्टॉल लगाए, ऐसे KPK पंजाब हमारे, और उन्होंने स्टॉल लगाए तो उनको ये अंदाज़ा हुआ। अब आप देखेंगे कि जब से ये इज्तमा के बाद जमर वैली के अंदर लोगों की रश, कमर्शियल प्लाटों की ख़रीदारी का रश ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हो गया, ऐसे ही इसलिए कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि हर हफ्ते वहाँ तशरीफ़ लाते हैं लोग, यानी हर जुमेरात को जो शब जुमा होता है उसमें 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं, ऐसे ही और जब इज्तिमा होता है तो 2.5 लाख 3 लाख तक इनकम बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा, अभी तो फर्स्ट टाइम बढ़ेगा, और यहाँ के लोग था तो 2.5 लाख के तकरीबन ऐसे ही, ठीक है। इस वजह से हमने कमर्शियल को अलग रखा और रेजिडेंशियल को अलग रखा। आने वाले टाइम में आप फ्यूचर ये समझते हैं कि इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि इस रेंज में और कोई हमें कोई सोसाइटी नज़र भी नहीं आ रही ना, क्योंकि देखा जाए तो इसके अपोजिट अगर G15 इस्लामाबाद का सेक्टर है, उसके साथ G16 सेक्टर है, इसके अपोजिट बात कर रहा हूँ, फिर आपका G17 है, महंगा तरीन है 18 इस्लामाबाद, वहाँ से 1.5 किलोमीटर टोटल 1.5-2 किलोमीटर का फासला है, 1.5 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का 18, तो जो मेरे ख्याल है वहाँ पे प्लाट की अगर बात करें पाकिस्तान का, तो 4.5 करोड़ का 10 मरले का प्लॉट है, पाकिस्तान का महंगा तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसी तरह। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। एक और सवाल है लोगों का कि ये रजिस्ट्री इंतकाल चूँकि हमारे, हम चूँकि पंजाब से हैं और अब ये मांगी जाती है कि यार रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन हो, तो चूँकि आजकल पैसे रजिस्ट्री इंतकाल के भी बहुत ज़्यादा चले गए हैं, टैक्सीज इतने बढ़ गए हैं, किसी टाइम में तो हम 50-60 हज़ार में पूरा प्रोसेस करा देते थे, तो आजकल क्या रेट चल रहा है, क्या दुआएं देंगे लोगों को? सर दो बातें हैं रजिस्ट्री इंतकाल के हवाले से, एक तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, मुझे जो चीज़ दी गई है वो उसका मैं मालिक हूँ। अब फाइल जब हम देते हैं तो वो अपनी मलकियत शो नहीं करते लोग, उनको ये खतरा रहता है कि पता नहीं हमें चेंज ना कर दें इधर से उधर। तो रजिस्ट्री इंतकाल का जो सबसे पहला जो आप
आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है वो ये है कि अगले को पता चलता है कि मैं इस ज़मीन का मालिक बन गया हूँ। अब ये ता कयामत जब तक मेरी नस्ल चलेगी ये उनमें मुंतकिल होती रहेगी, ऐसे ही ठीक है, खुद ना बेचे तो। दूसरी चीज़ आ जाती है टैक्सेस के हवाले से, देखें ये जो ज़मीनों के टैक्सेस वगैरह हैं ये चूँकि गवर्नमेंट का काम है, वही बढ़ाते हैं वही कम करते हैं जो भी मामलाते हैं। अब आप देख लेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है इकॉनमी की उसकी वजह से काफ़ी महंगाई तो हुई है। पहले ये होता था कि ये 40-50 हज़ार में रजिस्ट्री प्रोसेस हो जाती थी, अब इस वक्त हम दोस्तों को कहते हैं ये कराएं क्योंकि आगे चल के हो सकता है और भी महंगी हो जाए क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं। अभी अंदाजा क्या है, 1.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है सारे मामला रजिस्ट्री इंतकाल वगैरह करा के उसके हाथ में रजिस्ट्री मिल जाती है तो उसको 1.5 लाख रुपया खर्चा। लेकिन ये भी एक बड़ा असर आ गया ना कि यहाँ पे चूंकि हम काम कर रहे हैं कि जहाँ पे सीडी में आना होता है वहाँ पे सिर्फ स्टाम होता है, एक मालिक स्टाम करता है मालिक के साथ, तो ये हमारी जो रजिस्ट्री होती है इस्लामाबाद से होती है, वो भी टेंशन नहीं है कि यार जो चले जी आप बाहर से नहीं करा पिंडी से करा लीजिए तो इस्लामाबाद करिए, हम कराते ही इस्लामाबाद से, तो वो हमारे फर्द की कापियाँ सारा कुछ इधर से ही मिलता है। बीच में एक मरतबा एक छोटा सा किसी ने स्टे लिया था हमारे ही जमर वैली के अंदर, तो उस वक्त जब जज के सामने हमने पेश किया मामला तो हमने उनको रजिस्ट्रियाँ सामने रखी कि ये देखें सर हमने रजिस्ट्री इंतकाल दी है और ये तहसीलदार के दस्तखत हैं, ये इस्लामाबाद से रजिस्ट्री हुई है, तो उन्होंने केस उसी वक्त खारिज कर दिया, दूसरी पेशी पर उन्होंने केस खारिज कर दिया कि यार उसके पास लीगल कागजात हैं तुम मफरूजा लेकर आ गए हो कि जी ये ज़मीनें कब्जे करके दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना रजिस्ट्री इंतकाल का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो यही होता है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। यहाँ पे अगर लोग आबाद होना जा रहे हैं, आबाद हो भी रहे हैं, दिन ब दिन घरों में इजाफा हो रहा है, लोगों की डिमांड्स तीन होती हैं, पानी बिजली और गैस, ठीक है। अब पानी बिजली और गैस की क्या सूरत हाल है? देखें जहीर भाई आपने देखा होगा सीवरेज और सड़कें और दर्द तो हम पहले लगा चुके हैं, उसकी तो कोई कमी नहीं है। आगे आ जाता है दो मरहले हैं बिजली और पानी के। बिजली जो है इस वक्त जमर वैली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है और आ चुकी है। पानी के हवाले से जमर वैली ने ट्यूबवेल लगा दिया है, उसके अंदर जमर वैली की तरफ से वाटर टैंकर ट्रैक्टरों की सूरत में मौजूद खड़े हुए हैं। अगर कोई दोस्त वहाँ घर बनाता है और उसको पानी की कमी का वो सामना होता है तो सोसाइटी उसके साथ तआवुन करती है, ठीक है, और उसको टैंकर के ज़रिए पानी फराहम किया जाता है, ठीक है। और मुस्तकबिल के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि लाइनों के ज़रिए भी पानी हम फराहम करेंगे, यही ट्यूबवेल इसकी तादाद बढ़ाएंगे और इसके ज़रिए लाइनें बिछाकर लोगों को पानी देंगे। तीसरी बात आ जाती है गैस की। गैस के हवाले से जहीर भाई आपको पता ही है कि पूरे मुल्क में इस वक्त गैस नहीं है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने गैस दी हुई है वहाँ पर भी महदूद टाइम में दी जा रही है, ऐसी है क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है, पूरी गैस हो नहीं रही, ऐसी है। तो इस वजह से इस वक्त जो नई आबादी हो रही है सोसाइटियाँ बन रही हैं जितना भी है तो पॉलिसी के अंदर वो बैन है। अलबत्ता ये है कि अल्लाह पाक से हम नाउम्मीद नहीं है, लेकिन इस कैच ब्लॉक के सामने तक तो गैस आई हुई है ना, इनका फ्यूचर प्लान था कि वहां से हम अंदर करेंगे। बिल्कुल हम करेंगे, वो उसके लिए यही इरादा है, लेकिन उसके लिए वो आपको पता ही है कि एक प्रोसेस होता है, वो करेंगे इंशाल्लाह, उसमें हमारी तो कोशिश होगी आज नहीं कल नहीं तो आज ही गैस लग जाए, लेकिन चूंकि एक मुल्क की सूरत हाल के साथ भी चलना पड़ता है। बाकी हम नाउम्मीद नहीं है अल्लाह से, हमारे मुल्क के अंदर ज़खायर हैं मौजूद हैं, सिर्फ उसको मैनेज करना है, जिस दिन कोई मैनेज करने वाला आ गया तो इंशाल्लाह अज़ीज़ गैस की फरावानी हो जाएगी। ए 30 सेकंड में आपने जवाब देना जी, कश्मीर हाईवे से डायरेक्ट अप्रोच मिलेगी या नहीं? जी बिल्कुल मिलेगी कश्मीर हाईवे से। सर कश्मीर हाईवे 17 एवेन्यू का नक्शा बिल्कुल अप्रूव हो चुका है, यानी उसका FWO के पास ठेका है, ठीक है, जैसे ही सूरत हाल मुस्तहकम होती है तो उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये जो रोड बननी है 17 एवेन्यू तो ये जमर वैली के साथ जुड़ के चल रही है, बिल्कुल साथ जुड़ के चल रही है, इसके और जेल के दरमियान में, जमर वैली और जेल के दरमियान में सिवाय सड़क के और ग्रीन एरिया के कुछ भी नहीं है। 17th एवेन्यू का आपने जिक्र किया, नया ब्लॉक आ रहा है वो भी किस्तों के ऊपर, जी बिल्कुल 17th एवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल इसी तरह उसके ऊपर प्लॉट मौजूद है, अगर है तो उसका पेमेंट प्लान कितने महीने तक होगा और कब तक वो तैयार हो जाएंगे, ये मेरा आखिरी सवाल है। जी अल्लाह आपको इज्जत दे। देखें आपका पहले भी एक सवाल इसी हवाले से चला था, तो ये जो सूरत हाल थी ना जी, लोग अक्सर आते थे वो आकर कहते थे कि हमें जगह चाहिए लेकिन हम कैश नहीं दे सकते सारा, ठीक है ना, चूंकि वहाँ पॉलिसी कैश वाली थी
तो उस पर हमारे ताहिर भाई ने और मुसव्वर साहब ने मिलकर ये ब्लॉक लॉन्च किया है, इसका अनकरीब हम इफ्तिताह करने वाले हैं। और इसके अंदर हमने ये एक ऑप्शन रखा है लोगों के लिए कि 50% डाउन पेमेंट के साथ अगले जो 50% रकम है वो 6 माह में आसान तरीके से अपना अदा कर दें। कोई कहता मुझे 2 किस्तों में चाहिए, 2 किस्तों में कर देंगे, 3 किस्तों में चाहिए, 6 में चाहिए तो 6 किस्तों में करके उनको दे देंगे, ताकि वो इनसे अच्छा मुझे तो वो ब्लॉक लग रहा है क्योंकि 17th Avenue है वो, 17th Avenue भी है और सेक्टर I-16 के बिल्कुल साथ। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, लोग देखते ये हैं कि उस इस जगह के साथ अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो हम कहाँ जाएंगे, तो शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ऐसे इस्लामाबाद का सेक्टर है I-16, आबाद सेक्टर है, आबाद सेक्टर I-14 I-15 आगे ताज रेजिडेंशी आ रहा है, गिरजा रोड के ऊपर चले जाएंगे, आप फैलिया पे निकल जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये जो नए लोग हैं जिन्होंने ये प्लॉट अगर खरीदना चाहेंगे दोस्त, तो ये एक बेहतरीन लोकेशन बनती है। बहुत शुक्रिया जी, आज आपका काफी टाइम दिया था। ये थे राना अब्दुलरहमान साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं जमुर वैली के और बड़ा नाम है और एक्सपर्ट हैं, और हमें भी ज़रूरत होती है कि हम इनसे कुछ ना कुछ, जो हमारे बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ इलम में इजाफा करते रहे। अपने इलम के लिए हमने काफ़ी इनके साथ डिस्कशन की है और मैं समझता हूँ कि जमुर वैली रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन और बिल्कुल आपका श्रीनगर हाईवे के ऊपर और बैक साइड के ऊपर 17th Avenue के ऊपर एक बड़ा गोल्डन चांस है जी। आप इस पे के बारे में ज़रूर सोचिएगा, अगर किसी के पास 20-25 लाख रुपया है तो वो यहाँ पे ज़रूर इन्वेस्ट करें और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच राना अब्दुलरहमान साहब, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह चल बस करूँ तो।